1996 में एक बैठक बुलाई और ये बैठक बुलाई थी इसने एक शहर में अपने, और शहर का नाम था शंघाई। क्या भैया? किस देश का शहर है ये? इस बैठक में शामिल हुए कौन कौन शामिल हुए? काले कलर से गोला लगा रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा किर्गिस्तान, और चौथा तजाकिस्तान, और पांचवा आइसलैंड। जो है वो दुनिया का सबसे पीस वाला, सबसे शांत देश है। कौन सा है? तो वो देश है ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला आइलैंड, आइसलैंड। आसपास क्या भरा हुआ है? पानी, टापू है। आगे गाने से किस महाद्वीप में आता है ये? तो ये आता है यूरोप महाद्वीप। किस महाद्वीप में आता है? याद रखें, दुनिया का सबसे पीस वाला, पीसफुल कंट्री कौन सा है? आइसलैंड, जो कि यूरोप महाद्वीप। करियर पॉइंट के वीकली करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उसमें आप सभी का स्वागत है। हम हर सप्ताह करंट अफेयर की क्लास संडे को लेते हैं स्पेशली, जिसमें सोमवार से शनिवार तक का जितना टॉप 10 करंट होता है, क्योंकि देखिए करंट नेशनल इंटरनेशनल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अकेला ही उसके ऊपर एक महाभारत या किसी प्रकार का ग्रंथ लिख दिया जाए, हर महीने एक ग्रंथ लिख दिया जाए, इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है। हमने क्या किया है, हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, हम ये करते हैं कि हम फिल्टर्स लगा के लाते हैं आपके लिए। नेशनल इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पे भी अगर कोई घटनाक्रम होता है, सैकड़ों घटनाक्रम होते हैं, उन सैकड़ों घटनाक्रम में फिल्टर्स लगा लगा के टॉप 10 जो निचोड़ होता है वो लेके आते हैं, और वो टॉप 10 करंट अफेयर होता है यहाँ, जिसको हम लोग वीकली करंट एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, है ना। मैंने पहले भी बोला है, बार बार बोला है, बहुत सारे नए लोग हैं कि भाई नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम आएगा आपके पास 4-6 महीने का टॉप 10 वाला करंट का मटेरियल अगर रहेगा, मतलब 60-70 बिंदु, क्योंकि हम लोग सिर्फ करंट अफेयर कंप्लीट नहीं करते, करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग स्टैटिक जीके भी पढ़ते हैं पूरा का पूरा, उसके बारे में उसका अगला पिछला सब कुछ जानते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए जीके प्लस करंट अफेयर के रूप में जनरल स्टडी के रूप में हो जाती है। तो इसके लिए नोट्स बनाते हुए चले, मैं शुरू कर रहा हूँ बिना देर करे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले वाले बिंदु की तरफ हम चलते हैं, और करंट अफेयर के पहले बिंदु के से पहले भी आपके लिए एक प्यारा सा सुविचार है इस रविवार को। क्या है सुविचार? देखिएगा कि कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? जीत जाते हैं। अब आप देख लीजिए, आप कमज़ोर हैं कि विजेता हैं? अगर कमज़ोर हैं तो थकोगे और रुक के बैठ जाओगे, और अगर विजेता रहोगे तो चलते रहोगे, जब जीतोगे तभी रुकोगे। आगे कहानी सारी दोस्तों, चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं इस सप्ताह का टॉप 10 करंट अफेयर। चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है उबिनास ज्वालामुखी, किस देश में है, जिसके चलते वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है। इन विच कंट्री इज द उबिनास वोल्केनो लोकेटेड, ड्यू टू इमरजेंसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड देयर, है ना। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा देश है जिसमें ज्वालामुखी एक्टिव हुआ है, सक्रिय हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फोटो में, ये ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी है? ये उबिनास ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? उबिनास। ठीक है, तो देखिए मैं सीधा बताता हूँ आपको कौन सा इसका आंसर है। पहले तो देखिए, उरुग्वे, चिली, पेरू और जापान, ये वाकई में वही कंट्रीज जिन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, फूटते हैं, ज्वालामुखी एक्टिव रहते हैं या भूकंप वाली कंडीशनें बनती है, चारों के चारों देश उसी प्रकार के। ठीक है, सब इसका जो आंसर है उबिनास ज्वालामुखी कहाँ है, इसका सीधा सीधा सा आंसर इधर चलते हैं, तो ये है दोस्तों पेरू में। कहाँ पे है? पेरू। कुछ डिटेल से बात करें भाई, पेरू देखिए, पेरू की एक राजधानी है वो याद रखिएगा क्या है, तो ये है लीमा। क्या है राजधानी? पेरू की राजधानी कौन सी है? लीमा। आपको पता है दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप के ये तीनों के तीनों देश हैं। कौन कौन से भैया? उरुग्वे, चिली और पेरू। किस महाद्वीप के देश हैं? दक्षिण अमेरिका के, है ना। और उबिनास ज्वालामुखी कहाँ पे है? पेरू में। और पेरू की राजधानी कौन सी है? लीमा, पेरू की राजधानी, है ना। इस ज्वालामुखी अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आसपास के लगभग 10 किलोमीटर का जो दायरा है, उस 10 किलोमीटर के दायरे तक इसकी जो राख वगैरह निकल रही है इसमें से वो फैलती जा रही है दुनिया में। अगर मैं आपसे थोड़ा सा और जीके के सेंस में बात करूं, देखो दुनिया में तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? तीन। सबसे पहला ज्वालामुखी होता है सक्रिय, यानी कि एक्टिव वोल्केनो। कौन सा होता है दोस्तों? एक्टिव यानी कि सक्रिय। ये वो ज्वालामुखी होते हैं जिनका कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी फूट जाते हैं, कभी भी इनसे उद्गार हो सकता है, कभी भी इनसे ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर जो गर्म तप्त लावा है वो बाहर निकल सकता है, लावा जिसको हम मैग्मा भी कहते हैं। तो एक्टिव वोल्केनो कौन सा? वोल्केनो एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है जिससे कभी भी विस्फोट हो जाए, जिससे कभी भी लावा आ जाए। फिर दूसरा होता है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा दोस्तों? प्रसुप्त, जिसको डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। कौन सा? डोरमेंट। डोरमेंट यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी। यह ऐसा ज्वालामुखी है जो रावण की तरह है एक प्रकार से, मतलब ये सोया हुआ है,
है ना, पिछले 10-20-25 साल से नहीं फूटा हुआ है, मगर ये कभी भी फूट सकता है, मतलब भरा हुआ नहीं, ये सोया हुआ है। रावण कितने साल सोया हुआ था, है ना, तो उस हिसाब से आप इसको याद रखेगा। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर का, जिसमें अगर व्यक्ति सो गया तो फिर उठता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी, मृत, मतलब जो व्यक्ति परमानेंट सो गया वो कोई उठेगा वापस से, कभी नहीं उठेगा, तो ये होता है भैया डेड वोल्केनो। कौन सा, डेड वोल्केनो यानी कि मृत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार से होते हैं, तीन, कौन कौन से आगे कहानी समझ में, जिनमें ये जो है भाई उबिनाश, ये दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, सबसे एक्टिव, मतलब कोई भरोसा नहीं थे कब फूट जाए। लास्ट टाइम ये 2019 में फूटा था, कब फूटा था, अब 2019 से अभी 3-4 साल हुए, वापस से इसमें से राख वाग और धुआं हुआ निकलना चालू हो गया, मतलब कि ये फूटने वाला है। आगे कहानी सुनने, इसलिए गवर्नमेंट जो है पेरू की, पेरू की जो सरकार है, इसने आसपास का 10-15 किलोमीटर के आसपास दायरे में इसके जो जो गाँव थे, जो जो शहर थे, उन सबको खाली करवा दिया, भैया यहाँ से खाली करो, सामान वामान भरो और निकल जाओ यहाँ से दूर, नहीं तो ये फूटेगा और इसका जब लावा बाहर आएगा तो जल के राख हो जाओगे। आगे ना कहानी सुनने, तो याद रखिएगा उबिनाश ज्वालामुखी किस देश में है, पेरू की राजधानी क्या है, और सक्रिय ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ये कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा ये किसी परीक्षा के उद्देश्य से। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, है ना, शांतिपूर्ण मतलब जहाँ पे लोग बड़े ही आराम से जीवन व्यतीत करते हैं, जिनकी लाइफ एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी हो, जहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा बेहतर हो, तो क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के दम पे आदमी क्या कैसा जीवन बिताता है, अच्छा शांत जीवन बिताता है ना। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें, इसके अनुसार कौन सा देश इनमें से नंबर एक पे है ना। चलिए तो आप लोग को मैं मौका दूंगा तुक्के फेंकने का, उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, क्या बात कर लेता हूँ, एक संस्थान है जिस संस्थान का नाम है इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्या है भैया संस्थान, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसको इन शॉर्ट में IEP कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइए, ये संस्थान जो है इस 2007 में बना था, और 2007 में ये बना था जहाँ इसका मुख्यालय, वहाँ इसका मुख्यालय सिडनी, कहाँ पे है, सिडनी, और सिडनी किस देश में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में, किस देश में। तो जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, इसकी स्थापना कब हुई, 2007 में सिडनी में, क्लियर दोस्तों। 2008 से ये एक लिस्ट बना रहा है, और वो लिस्ट कौन सी है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, मतलब ये 2008 से बता रहा है कि कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण देश थे, जिसके नागरिक बड़े आराम से बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के रह रहे हैं, उनके उनके सामने ऐसा कभी नहीं होता किसी प्रकार की दुर्भावना, ऐसा कभी नहीं होता कि वो कहीं जा रहे हैं और कहीं आसपास बम फूट गए तो उनका माहौल जो है ख़राब हो गया महीने दो महीने के लिए। आगे ये कहानी सुनिए, बड़े शांति से रह रहे हैं। तो इनमें से जो आंसर है 2023 का, ये है क्या भैया, कौन सा आंसर है, तो ये है आइसलैंड। कौन सा है, आइसलैंड, कौन सा है, आइसलैंड, है ना, आइसलैंड 2023 का क्या है, सबसे शांत देश, पीस, है ना। सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भाई है ना 8वीं बार इस लिस्ट में नंबर वन पे आया है, कितनी, कौन सी बार, 8वीं बार, मतलब पिछले 8 सालों से ये नंबर एक पे ही है, कौन, क्लियर साउंड आ गया ना। अब देखिए दो तीन चीजें जो हमारे लिए और भी ज्यादा जानने लायक है, वो क्या है। सबसे पहली चीज, 2023 की जो लिस्ट बनी इसमें 163 देशों को शामिल किया गया, प्रश्न आएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स में इस वर्ष कितने देशों को शामिल किया गया, कितने, 163 देशों को, जिनमें पहले नंबर पे कौन है भैया, आइसलैंड, कौन सा देश है, आइसलैंड, ये पहले नंबर पे याद रखेगा, ठीक है। और कहाँ है आइसलैंड, तो ये देखिए नक्शा, इस नक्शे को आप देख पा रहे हैं, इस नक्शे में आप देख पा रहे हैं दुनिया के तमाम देश, जो अभी हमने पेरू वेरू की बात की थी ना, जो पेरू लीमा इनकी बात की थी, ये पेरू वेरू यहाँ पे भैया, ये कौन सा महाद्वीप है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप है ये, दक्षिण अमेरिका, तो यहाँ पे वो देश। अब बात करें आइसलैंड का, आइसलैंड जो है वो दुनिया का सबसे पीस वाला, सबसे शांत देश है, कौन सा है, तो वो देश है ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला आइलैंड, आइसलैंड, आसपास क्या भरा हुआ है, पानी, टापू है। आगे कहने से किस महाद्वीप में आता है ये, तो ये आता है यूरोप महाद्वीप, किस महाद्वीप में आता है, याद रखें दुनिया का सबसे पीस वाला, पीसफुल कंट्री कौन सा है, आइसलैंड, जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है, किस में आता है। इस वर्ष की लिस्ट में कितने देश शामिल किए गए, इस इन 163 देशों में ये हमारा है क्या, भारत 126वें नंबर पे, कौन से नंबर पे दोस्तों, 126वें नंबर, आया मजा, ठीक है। 3-4 प्रश्न आ जाएंगे, उत्तर देना, भड़क देना, क्या ग्लोबल पीस इंडेक्स कितने देश शामिल हुए, पहले नंबर पे कौन है,
और भारत की पोजीशन क्या है, आ गई ना कहानी। अब कुछ और अंदर घुस के प्रश्न आते हैं परीक्षा हम कैसे आते हैं भैया, ये से आते हैं कि 2022 में भारत की पोजीशन क्या थी। तो 2022 में इस इंडेक्स के अनुसार भारत कौन से नंबर पे था, तो ये था 135वें नंबर पे। कौन से नंबर पे था अब बताओ, 135वें नंबर से पोजीशन में सुधार हुआ है कि बिगड़ी, सुधार हुआ है, क्योंकि एक नंबर की तरफ अच्छे देश कहलाएंगे, है ना। तो पोजीशन में सुधार हुआ है 135 से, इस वर्ष कौन से नंबर पे पहुंच गए हम, मतलब कितने अंकों का सुधार हुआ है, 9 अंकों का। कितने अंकों का सुधार हुआ, 35वें से हम पहुंच गए 126वें, है ना। तो कितने अंकों का सुधार हो गया, 9 अंकों का सुधार हो गया। कैसे ही प्रश्न पूछ ले, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में पहले पे कौन है ना। इसके बाद में कितने देशों को शामिल किया गया, भारत कौन से नंबर पे है, पिछले वर्ष की तुलना में कितने अंकों का सुधार हुआ, मतलब पिछले वर्ष में कौन से नंबर पे था, कुछ भी पूछ ले भलिख देना। बस लास्ट चीज ये है कि सबसे बुरी स्थिति में कौन है, कहाँ सबसे ज्यादा स्थिति खराब चल रही है ना, ये वाली चीज 163वें नंबर। तो आप देखिए यहाँ पे इस वाले में नक्शे में देख पाएंगे जो रेड कंट्रीज है ना, रेड कलर के, ये रेड कलर के बड़े इनडेंजर्ड में है, मतलब ये अशांत देश है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब देखो इस साइड तो आपको एक भी रेड नहीं दिखेगा, इस साइड अगर आपको ये हिस्सा रेड दिख रहा हो तो याद रखना ये इस महाद्वीप में नहीं आता, ये एशिया महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है, याद रखें। तो ये दोनों महाद्वीप तो बड़े ही शांत है, कौन से भैया, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर देखा जाए तो कौन से होगा, ये उत्तर अमेरिका और फिर बात करें इसमें तो यहाँ देखिए यहाँ पे अफ्रीका में आपको बीच के कई सारे कंट्रीज हैं जो दिख रहे होंगे अशांत टाइप से, और इस साइड भी आपको दिखा। देखो ये रूस वाला एरिया, क्योंकि रूस और यूक्रेन का क्या चल रहा है, ये यूक्रेन है, रूस और यूक्रेन का क्या चल रही है, जंग, तो वो अशांत है इस वर्ष, वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, है ना। इसके अलावा सबसे अशांत देश जो दुनिया का 163 नंबर का है ना, वो है भैया ये वाला, कौन सा वाला, और ये है अफगानिस्तान। कौन सा देश है, अफगानिस्तान। 2023 में इस लिस्ट में कौन 163वें नंबर पे है, आ गई ना कहानी समझ में, ठीक है। सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं, क्या प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा देश सबसे शांत है, कौन सा 163 पे कौन है, और भारत की पोजीशन क्या है, बस निपटा देना प्रश्न आ जाए तो। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस कहाँ पे, इसका मुख्यालय सिडनी, और सिडनी किस देश में है, 2007, ठीक है दोस्तों, क्लियर। लिस्ट कब से आ रही है, 2008 से आ रही है, कब से आ रही है, 8 से आ रही है, 7 में स्थापना हुई थी संगठन की। आगे बढ़ जाते हैं, AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है। यहाँ पे दो फोटोज आपको दिख रहे हैं, सुनील छेत्री, लालियान ज्वाला और दीपक कुमार और रवि दहिया, ये दो लोग आपको दिख रहे हैं, है ना। दोनों के दोनों कौन है, देखिए सबसे पहले तो AIFF दोनों कर क्या रहे हैं, पहले तो ये देखो फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, ये फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, क्या हो जाएगा भैया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, क्लियर। समझ आगे बात, इस संस्था की स्थापना हुई थी 1937 में, कभी स्थापना हुई थी 1937 में इसकी स्थापना हुई फुटबॉल की भारत में। अगर आपसे कोई पूछ ले भारत में फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है सबसे बड़ी संस्था, AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये भारत में फुटबॉल खेल से रिलेटेड सबसे बड़ी संस्था है ना, याद रखेगा। फीफा विफा में अगर टीम का चयन करना वरना है तो सब काम यही करती है, याद रखेगा। फीफा से संबंधित है तो 1948 में फीफा से रिलेट हुई थी, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो AIFF क्या करता है, अब अपने जैसे क्रिकेट में नहीं होता मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द ईयर स्टेप्स, तो ये भी अपने खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम करता है, हर साल करता है। पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023, फुटबॉल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी 2023 का भारत में कौन माना गया है इसके द्वारा, तो ये भाई साहब ये जो इसे फोटो दिख रहा है आपको इस साइड वाला, ये वाला जो है ये बेहतरीन खिलाड़ी, इसको पहचानते हैं कोई, पहचानते हैं नहीं ना पहचानती, बताइए ऑप्शन बी, इसको पहचानती हो, अच्छा और इसको पहचानती इधर वाले को, लड़की है, बिल्कुल सही बात, ये लड़की है, नहीं तो कहीं इसे बड़ी देती इधर साइड, है ना, सही जवाब, बिल्कुल सही बात है। कहिए कौन को मिला है ये, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर फुटबॉल का कौन रहा है, लालियान ज्वाला चांगते, है ना। किस राज्य का है प्रश्न आता है, किस राज्य का है, अगर जानती हो तो ये बता दो, चलो मान लेंगे जानती, ठेको कचरा, वेरी गुड, क्या बात है भैया, सच में जानती है लड़की, क्या किस राज्य का भैया, ये मिजोरम है ना, पर तुम लड़की हो तो क्या इस लड़की को जानती हो, क्या है,
वाह, ये भैया लड़की है ना, ये प्लेयर है, स्पोर्ट्स प्लेयर है सच में, वॉलीबॉल की अच्छी प्लेयर है, नेशनल लेवल पे गई है ना, याद रखना इन्हें, ये स्पोर्ट्स प्लेयर अच्छी है। बिल्कुल वेरी गुड, सही जवाब दिया मनीषा कल्याण, क्या नाम है इसका। अब प्रश्न ये था कि पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर क्या है, कौन है, कौन बना पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर, लालेन ज्वाला चांगते, कहाँ का है ये, मिजोरम का खिलाड़ी है, याद रखेगा, मतलब मिजोरम राज्य से भारत का खिलाड़ी, याद रखेगा। मगर अगर बोलें कि भाई ये तो पुरुष है, वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, ये तो मेन है ना, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है फुटबॉल का, मनीषा कल्याण, ये कहाँ की है भैया, तो ये पंजाब की, कहाँ की है ये, पंजाब की है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को, दोनों बता दिए हैं, है ना। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF की स्थापना कब हुई, भारत में फुटबॉल के लिए जिम्मेदार संस्था कौन है, AIFF, है ना, इसकी तरफ से इस साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर पुरुष कौन घोषित किया है, लालियान ज्वाला चांगते, किस राज्य का है, और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर कौन घोषित हुआ है, मनीषा कल्याण, किस राज्य से है ये, पंजाब से। आया मजा दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अगला, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, मतलब आपको पता है, पहले भी मैंने बताया है, अभ्यास मिलिट्री ड्रिल्स होना, मिलिट्री एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि युद्ध हर समय पे नहीं होते। भारत का युद्ध हुआ 1970 में हुआ है ना, 1965 में हुआ, मगर उसके बाद युद्ध नहीं हुआ, कारगिल हुआ था 1999 में। अगर हर 10-20 साल 50 साल में कभी किसी कारणवश कभी युद्ध की स्थितियां निर्मित होती है किन्हीं देशों के बीच, अब युद्ध तो चलो साल दो साल 50 साल में 20 साल में 10 साल में होंगे, तब तक अगर हमारा सैनिक प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसकी हथियार जो है वो जंग खा जाएंगे, है ना, वो गोली चलाना ही भूल जाएगा, आ रही कि नहीं खाने, तो समय समय पे इसलिए क्या होता रहना चाहिए, उसकी एक्सरसाइज होता रहने, वो अभ्यास होते रहने, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब अभ्यास मतलब सिर्फ अगर एक पुतला खड़ा कर दूंगा सामने और उससे को गोली चला, तो ये अभ्यास नहीं होता। अभ्यास युद्ध का कब होता है, जब सामने भी कौन हो, दुश्मन, आ रही कि नहीं खाने। इसलिए हर देश, दुनिया के हर देश अपनी अपनी मिलिट्री को लेके, अपनी अपनी जो जो भी सेना है उनके पास, अगर अगर नौसेना है तो नौसेना, नेवल आर्मी हो तो नेवल, एयरफोर्स हो तो एयरफोर्स, और मिलिट्री हो तो मिलिट्री, हर देश के पास जितनी भी प्रकार की सेना होती है वो दूसरे देशों, अपने जो दोस्त देश होते हैं, मित्र देश होते हैं, उनके साथ वो ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कभी एक दोस्त होता है, एक दुश्मन होता है, ऐसे करके वो प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस करने से क्या होते हैं, वो एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं कि हम ऐसे हमला करेंगे, तुम कैसे बचोगे बताओ, कुछ आ रही कहानी सुन, तो इसमें प्रैक्टिस भी हो जाती है और सेना की क्षमताओं का परखना भी हो जाता है कि हमारी सेना की क्षमता कितनी है। इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ भारत भी अपने सैनिक सेनाओं का परीक्षण अभ्यास करता रहता है। अभी कोच्चि में 11 दिवसीय भैया नौसेना का अभ्यास हुआ, नौसेना का अभ्यास, याद रखिए नौसेना का मतलब नेवल यानी पानी वाली सेना, शिप के द्वारा हुआ है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये किस देश के साथ हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है किसके साथ, अमेरिका के साथ, किसके साथ हुआ है, किसकी नौसेना के साथ हुआ, अमेरिका की नौसेना के साथ ये एक्सरसाइज हुई है, समझ में आ गया ना इसको, ठीक है। इसका इसका देखिए, इसका नाम मैं बताता हूँ, इसका नाम बहुत ज़रूरी है, इसका नाम है, इस एक्सरसाइज का नाम है, याद रखिएगा, साल्वेक्स, क्या है इसका नाम, साल्वेक्स। ये जो साल्वेक्स है ना, साल्वेक्स का फुल फॉर्म बड़ा ही काम का है हमारे लिए, क्योंकि हो सकता है आज क्या है, इसका मतलब है साल्वेज एंड एक्सप्लोजिव, सालवेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस, सालवेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, क्या है दोस्तों बताइए, सालवेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, ऑर्डिनेंस ऐसे ही लिखेंगे, ऑर्डिनेंस नहीं है, DI नहीं होगा, है ना, एक याद रखें, ऑर्डिनेंस मतलब वो अध्यादेश हो जाता है, ये ऑर्डिनेंस है, आ गई कहानी समझ में दोस्तों, है ना, तो क्या हो गया, सालवेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, और लास्ट में हो जाएगा एक्सरसाइज, क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखें। अब इसमें क्या करा है इन्होंने, इसमें क्या करा है, दो शब्दों को पकड़ा, कौन से दो शब्दों को पकड़ा, एक तो ये SALV और एक इन्होंने पकड़ा एक्सप्लोजिव, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, साल्वेक्स बना दिया। आगे ना, अब अगर आपसे कोई पूछ ले साल्वेक्स अभ्यास, युद्ध अभ्यास, मिलिट्री नेवी की जो एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज जो है, ये किन देशों के बीच होती है, भारत और अमेरिका। अभी हाल ही में कहां हुई है, कोच्चि किस राज्य में है, केरल में, किस राज्य में है, केरल में, और कितने दिवसीय थी ये, 11 दिवसीय थी, आ गई कहानी समझ में, 26 जून से स्टार्ट हुई थी, 11 दिन जोड़ लेना पता चल जाएगा, आ रही कहानी समझ में, 26 जून से ही शुरू हुई थी 11 दिवसीय, क्लियर दोस्तों, है ना। साल्वेक्स का फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों, साल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज, अगर हिंदी में बताऊं आपको तो इसका मतलब होता है बचाव एवं आयुध आयुध
निपटान, इसका मतलब क्या है? डिस्पोजल का मतलब निपटान, मतलब निपटाना, मतलब देखो क्या होता है, कई बार आपको बम वगैरह मिले, हथियार मिले, तो उन हथियारों को आप ख़त्म का करोगे? दूसरे देशों के कई हथियार मिल गए, जैसे कोई बम मिल गया तो उसको उसको एंड का करोगे, ख़त्म का करोगे उसको, कहीं फूटने की स्थिति में है वो, तो उसको का, तो उसको उसको ख़त्म करने का काम जनरली कहाँ हो सकता है? समुद्र के अंदर कहाँ हो सकता है? आ रही कहानी समझ? तो समुद्र के अंदर दो चीज़ें, एक तो आयुध का निपटान करना, मतलब जो एक्सप्लोजिव है उन एक्सप्लोजिव को निपटाना, दूसरी चीज़ एक्सप्लोजिव मतलब बम बारूद वगैरह है ना, याद रखिएगा हथियार। दूसरी चीज़ साल्वेज का मतलब होता है, सेंस क्या है साल्वेज का? मतलब होता है बचाव, क्या होता है? मतलब कि समुद्र में बचाना। आगे कहानी सुन, इसको लेके, इस थीम को लेके एक्सरसाइज हुई थी जिसको क्या नाम दिया गया था? साल्वे। किन देशों के बीच हुई? भारत और कितने दिन से, किस तट पे हुई? कोच्चि, किस राज्य में है? बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आ चुका है, अगला पॉइंट क्या है? कौन सा देश, ये हालांकि पहले भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया स्थायी सदस्य बना है? विच कंट्री हैज बिकम द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एससीओ, इसका सदस्य कौन बना है? बता चुका हूँ पहले, बताइए भैया पुराने लोग, कौन कौन बना है? वेरी गुड, कौन बना भैया? ईरान इसका नया सदस्य देश बना है। आगे गाने, और ये तो पिछले साल से, दो साल से चल रहा है, बता पिछली बार के करंट में ये सब करा था, बार बार कर रहे हैं इसको, है ना। देखिए क्या है, एससीओ के बारे में आप कितना जानते हैं बता दीजिए, पुराने लोग बता दो भैया, और नया कहीं पता होगी। बिल्कुल सही रवि, और कोई बताइए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट क्या रवि, क्या राम? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2017 में भारत पाकिस्तान इसके सदस्य बने हैं। और कोई बताइए नेक्स्ट पॉइंट, कोई बता दीजिए, नया पुराना कोई यानी पतो, यानी सूझ पड़ रही हो, नैना लालियन ज्वाला गाचांगते, चले खेल शुरू कर, करें शुरू, चल खेल शुरू कर। देखिए ये एशिया का मैप है, एशिया का मैप है, एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा कौन आता है? इंडिया ही है ना हमारा, तो फिर इतनी दबी दबी आवाज़ क्यों हिट रही है? पाकिस्तान कह रहे हो क्या? फिर क्या है हमारा? स्वाभाविक सी बात है, आवाज़ तो हिटनी चाहिए, तुम्हारी यही आवाज़ नहीं हिट रही है, हैं? चलो क्या हुआ, एक संगठन था, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा बहुत, क्योंकि पहले समझा चुका हूँ पूरा डिटेल से, मैं बस थोड़ी थोड़ी सी बात करूँगा। एक संगठन था जिसका नाम था सोवियत संघ, सोवियत यूनियन, सोवियत संघ टूटा, और टूटने पे इधर साइड के ये छोटे छोटे से देश बने, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, यूक्रेन, ये छोटे छोटे से देश बने। जब ये छोटे छोटे से देश बने तो इस भाई को बड़ी चिंता सताई, किसको? चीन को। उनने कहा अभी तक क्या था, ये पूरा का पूरा एक था एरिया, तो एक था तो एक ही देश के साथ सीमा को सिक्योर करना पड़ रहा था, मगर अभी छोटे छोटे से देश टूट गए, तो इसने कहा अब साला पांच देशों के साथ डील करनी पड़ेगी सीमा को लेके, और देशों के साथ डील करनी पड़ेगी, तो इसने क्या करा, एक बैठक बुलाई। ये जो बैठक का वर्ष था बुलाने का, ये था 1996, कब का वर्ष था? 1996 में एक बैठक बुलाई, और ये बैठक बुलाई थी इसने एक शहर में अपने, और शहर का नाम था शंघाई। क्या भैया? किस देश का शहर है ये? इस बैठक में शामिल हुए कौन कौन शामिल हुए, काले कलर से गोला लगा रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा किर्गिस्तान, और चौथा तजाकिस्तान, और पांचवा रशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चीन। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, आ गई कहानी, ऐसी नाम है यार, बस कब्रिस्तान ही नहीं है सारा, बाकी सारे स्थान आ गए। अभी तो देखो एक और आएगा, अभी एक और आएगा, कितने हो गए ये, कितने हो गए? पांच। इस संगठन को उस समय पे नाम दिया शंघाई फाइव, क्या नाम दिया? पांच, शंघाई में पांच देश बैठे, शंघाई फाइव बोल दिया, ठीक है। 2001 में इसमें एक देश नया शामिल हुआ, और वो था उज्बेकिस्तान, कौन सा? फिर एक स्थान आया उज्बेकिस्तान, आ गई ना कहानी समझ, कितने हो गए? छः। जब छः हुए तो इसका नाम चेंज करके कर दिया गया एससीओ, एससीओ का मतलब क्या? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन कब बना? 2001 में। किस संगठन को चेंज करके? शंघाई फाइव कब बना था? शंघाई एक शहर है, किस देश का? हाँ, कहानी सुन, ठीक।
अब पड़ोसी देशों ने, हमारे पड़ोसी देशों ने ये संगठन बनाया। ये संगठन, अब देखो कोई भी संगठन बनता तो क्या करते हैं, जानबूझ के दूसरे लोग, देखो उदाहरण के तौर पे जानबूझ के से मतलब ये बैठाते कि हाँ आ जाओ शामिल हो जाओ। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बहुत सीधी सी बात देखें, एक बहुत सीधी सी बात की कि हम ये एक डेमो का बड़ा मैटर है कि भाई डेमो कोचिंग वाले नए नए बच्चे आते हैं मेरे से बात करते हैं, मैं उनके मुँह तरफ देखता हूँ, सर डेमो 17 दिन को है, अब तू हमारो कहीं डेमो ले गो ज्ञान के महासागर, हम 10वीं की पाइथागोरस प्रमेय, तुम LKG के ABCD डेमो ले गए, आरीगरी कहानी कुछ समझ नहीं, समझ मेरी बात। मगर उसके बावजूद भी क्या होता है, आपको कक्षा में बैठा लिया जाता है। आपको कक्षा में क्यों बैठा लिया जाता है, ताकि आप माहौल देखो। डेमो तो आप देख ही नहीं सकते, क्यों नहीं देख सकते, टीचर के ज्ञान का परीक्षण तुम 2 दिन में करोगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो भाई, 2 दिन में हमारे ज्ञान का परीक्षण नहीं कर सकते। तुम एक विषय का एक टॉपिक चेक करोगे 1 दिन में, या हज़ारों विषय के हज़ारों टॉपिक समाहित हैं, हारिकने कहानी समझ में, तो फिर कैसे हो सकता है डेमो, फिर भी दे दिया चलो डेमो देखो। अब आप डेमो देखे, आपने माहौल देखा, हाँ सब बढ़िया है, बढ़िया क्लास लग रही है, बढ़िया सर पढ़ा रहे हैं सारे टॉपिक। आपने 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद क्या करा, ज्वाइन कर ली क्लास को, तो आपने क्या कर ली, ज्वाइन। सेम चीज़ होती है, या सेम चीज़ क्या होती है, भाई ये जो 5 देश थे ये साथ में बैठे, 5 देश साथ में बैठने के बाद मैंने शंघाई 5 नाम से एक संगठन बनाया और काम करना शुरू कर दिया। इनने बोला कि देखो हम ऐसा काम कर रहे हैं, तुम भी आओ। उज्बेकिस्तान भी आया, आई कुछ कहानी समझ। अब उज्बेकिस्तान भी आया, उसको लगा हाँ यार इस संगठन का सदस्य बनना चाहिए, उसने आवेदन दिया कि साहब मेरे को भी इसको ज्वाइन करना है, बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया चल रहा है आपका संगठन, ज्वाइन करना। इसने आवेदन दिया, इस पर मुहर लग गई, कब लग गई, इसने ज्वाइन कर लिया, आई कुछ कहानी समझ। अब क्या था, भारत और पाकिस्तान, भारत ने कहा भाई हम भी तो पड़ोसी देश हैं इन लोगों के, अब पड़ोसी देश है तो इनसे हमारे भी संगठन, इस प्रकार के जो संगठन है इसमें हम लोगों को भी पार्टिसिपेशन करना चाहिए, और पार्टिसिपेशन करने के लिए हम भी इन संगठनों के बुलावे पे इनमें आते जाते रहे कुछ सालों तक। जब आते जाते रहे तो एक समय वो आया जब फाइनली हम इसके सदस्य बने, और वो समय था 2017। कब था भैया, आ गई ना कहानी सुन, 2017 में इसके सदस्य बने, मगर हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ एक और स्थान था और वो था पाकिस्तान। कौन सा था, तो 2017 में भारत और पाकिस्तान किसके सदस्य बन गए दोस्तों, SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आ गई ना कहानी समझ में, क्लियर समझ आ गई ना, वही वाली बात है, है ना। अब क्या हो रहा था, अब ये हो रहा था कि पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से एक देश को और एक देश नहीं, 2-3-4 देशों को, 2-3-4 देशों को वापस से गेस्ट कंट्रीज के रूप में, मेहमान के रूप में बिठाया जा रहा था कक्षा में। किस रूप में बिठाया जा रहा था, अब उन 3-4 लोगों को जिनको मेहमान के रूप में कक्षा में बिठाया जा रहा था, उनमें से एक ने एक सब मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, और वो देश था ये वाला, और इस देश का नाम है ईरान। क्या नाम है इसका, ईरान। आया मजा, समझ में आ गया। अब ईरान ने आवेदन दिया पिछले साल 2022 में, है ना, उसके आवेदनों पे इस संगठन ने मुहर कब लगाई, 2023, और फाइनली 2023 में कौन सदस्य बन गया। अब सदस्य जोड़ लो, शंघाई 5 में, शंघाई 5 में 1996 में कितने सदस्य थे, 2001 में कौन जुड़ा, उज्बेकिस्तान, कितने हो गए, 2017 में कितने जुड़े, 2, कितने हो गए, 8, इंडिया और पाकिस्तान, कितने हो गए, 8, और 2023 में कौन जुड़ गया, कितने हो गए, बताइए। शंघाई सहयोग संगठन जो है, इस शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई, इसके सदस्य कितने देश थे अभी, 8, नया कौन बना है, क्या प्रश्न था देख लीजिए, उत्तर क्या है, है ना, ईरान। कितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे अभी, अब कौन खड़ा होगा साथ में, आ गई कहानी समझ में दोस्तों, समझ आई, मजा आया है ना। अब कमेंट में आप लोगों को क्या बताना है कि भैया ईरान की राजधानी कौन है और इसका राष्ट्रपति कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है, और किसी को पता हो तो यही बता दो भैया, बता चुका हूँ हालांकि मैं, बताओ ईरान की राष्ट्रपति, बताओ ईरान का, चलो कमेंट में बताना, ढूंढना इनके, है ना, मोबाइलों का बहुत उपयोग करते हो तुम, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको कहा जाता है क्या, सेफ, कौन सी चैंपियनशिप, सेफ चैंपियनशिप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, तो ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की जो चैंपियनशिप है इसको किसने जीता है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना, याद रखिएगा।
ठीक है, किसने जीता है? बिल्कुल, किसने जीता है? भारत ने, है ना, भारत ने। किसने जीता है इसको? भारत। और देखो वो उधर लालियान ज्वाला, क्या नाम था वो दादा, ये गा आगे कहानी सुन, है ना। मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी इसको याद रखना है, कौन है? वेरी गुड, कौन है भैया? ये भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कौन है? सुनील छेत्री। और ये है वो भाई, और 2023 का मेन्स ऑफ द प्लेयर कौन है? लालन ज्वाला चांगते, मिजोरम। आई नहीं कहानी समझ में, याद रखें। ठीक है, तो भारत जीता है सेफ का जो ये कप है, ये इसको भारत ने जीता है। और भैया कौन सी बार जीता है? वेरी गुड, कौन सी बार? नौवीं बार जीता है। कौन सी बार? नौवीं बार भारत ने जीता है, है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की ये चैंपियनशिप आयोजित कहाँ की गई? 2023, है ना। तो ये कहाँ आयोजित की गई थी? भारत में ही। कहाँ आयोजित की गई थी? भारत में ही आयोजित हुई। और जीता भी कौन? कौन सी बार जीता? और जिसको हराया वो था ये, किसको हराया फाइनल में? कुवैत को हराया। किसको हराया? किस टीम को हराया? कुवैत को। फाइनल में सेफ चैंपियनशिप में भारत ने हरा दिया। भारत कौन सी बार विजेता बना? नौवीं बार इसका विजेता बना है। आगे कहानी सुन, चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं तो 1993 से आयोजित हो रही है। कब से आयोजित हो रही है? दो वर्ष में एक बार। कितने वर्ष में? दो वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है। हाल ही में 2023 में कितने साल हो गए? 30 साल। कितने साल हो गए? आया मैं सर, 2 साल में एक बार, है ना। कितनी बार भारत जीता है इसमें? किसको हरा के जीता? नवी बार कुवैत को हरा गया, ठीक है ना। मैं जनरली आपको बताता हूँ, साउथ एशिया में इसमें साउथ एशिया में इसमें जो टीमें थी वो थी 6। कितने थी? साउथ एशिया की अगर बात करें, दक्षिण एशिया से कितनी टीमें थी? 6। तो हमने कह रहा ईस्ट जो है उससे दो टीमें और ली। तो दो कौन सी टीमें ली? एक ली हमने लेबनान, कौन सी टीम, और एक ली हमने कुवैत, कौन सी टीम ली? कुवैत। तो टीमें कितनी हो गई? टोटल 8। कितनी टीमें हो गई वर्तमान में इस बार खेल में? कितने खेली इसमें? 8 टीमें। 6 तो हमारे यहीं से थी, साउथ एशिया से, और 2 थी ईस्ट एशिया से यानी पूर्वी एशिया से। कौन कौन सी टीमें थी? लेबनान और कुवैत। आगे ये नगान सिंह, इनको हमने गेस्ट मेंबर के तौर पर खिलाया। किस तौर पर खिलाया? गेस्ट मेंबर। अभी बात की गेस्ट हरा दी थी। आई गई नहीं कहानी समझ में? चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट चीज की बात कर रहा हूँ। आगे कहानी समझ में? सेफ चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? किसको हरा के? कौन सी बार? नेक्स्ट प्रश्न, आगे की तरफ चलो। कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हमारे बच्चे जो है पुराने वाले वो आंसर देंगे। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा इसका? ये जैसे लिखूंगा वैसे आंसर आ जाएगा। कौन सी कंपनी है? अरे गांडो, कौन सी है? अरे बोलो नहीं, महारत्न कंपनी। कौन सी है? भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? विचार नहीं आया क्या? अरे बोलना तू, कितनी महारत्न कंपनी है? 12। लास्ट टाइम अपडेट करवाई थी, कितनी हो गई भारत कंपनी? 13। हाँ 12। कितनी? और वो कितनी है नवरत्न? वो 13 है ना दोस्तों, याद रखें। महारत्न कंपनी आपको पता है भारत की कौन कौन सी थी, आपने बात की थी भैया, जैसे ICIL से कौन सी है? कोल इंडिया लिमिटेड। जैसे IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, है ना। जैसे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। जैसे NTPC क्या? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। जैसे गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसे भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये कौन सी कंपनी है भारत की? महारत्न कंपनी है। कौन सी है? महारत्न कंपनियां है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है, 19 कब स्थापना हुई जिसकी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1975 में इस कंपनी की स्थापना हुई भारत में। कोयले का खनन करना, कोयले को निकालना, उत्खनन करना कौन करता है? सारा काम ये 1975 में इसकी स्थापना। इसका नया जो MD बना है, इसका जो नया चेयरमैन बना है कौन है? ये भाई साहब जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, कौन है ये? तो ये है PM प्रसाद। कौन है ये? PM प्रसाद, ठीक है, याद रखेगा। तो PM प्रसाद कोल इंडिया के जो नए चेयरमैन बने। चलिए नेक्स्ट तरफ चल रहे हैं, अगले प्रश्न की तरफ। भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ये भाई साहब हैं, मोबाइल पकड़ के खड़े हुए बात कर रहे हैं किसी से। रुक जाओ, चलो चलो हम लोग लेंगे इनका फ़ोन रखा जाए, बात करें अपन आगे, है ना। नंदू फोन रखे हैं कहीं? ये
नहीं रखेंगे। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, क्या है सोलिसिटर जनरल, कोई बताएगा क्या है सोलिसिटर जनरल? कोशिश करेगा कोई? कोई भी नहीं करेगा। चलो मैं बताता हूँ क्या है कि जब भी आपके खिलाफ कोई काम करता है, आपके विरोध में आपके अधिकारों का हनन करता है या कोई और चीज़ आपके विरोध में होती है, तो आप क्या करते हो उसके लिए एक सामान्य सा रास्ता क्या है? आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? कोर्ट के पास। किसके पास जाओगे? कोर्ट के पास। कोर्ट में आवेदन दोगे कि साहब फलाना चीज़ हो रही है। जैसे आप आपके यहाँ चोरी भी हुई है तो केस कहाँ चलेगा? कोर्ट में चलेगा। कोई भी चीज़ आपके खिलाफ कोई भी चीज़ हुई है तो आप कहाँ जाओगे? उसके लिए कोर्ट में। मगर कभी ऐसा हो कि सरकार के खिलाफ ही आपको केस करना हो या सरकार के खुद की लड़ाई चल रही हो किसी से, गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, भारत सरकार को ही अगर अपना पक्ष रखना हो किसी के साथ, किसी के सामने, कोर्ट में, किसी के विरोध में पक्ष रखना हो, विपक्ष रखना हो, किसी के खिलाफ, या आपने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया, अब भारत सरकार के खिलाफ अगर आपने किसी के भी खिलाफ केस हो सकता है, सरकार को अलग थोड़ी है, आपने सरकार के खिलाफ केस कर दिया, ऐसी स्थिति में सरकार का वकील कौन होगा भाई? सरकार का भी कोई वकील होगा कि नहीं होगा? आपने कर लिया प्राइवेट वकील, आप तो पकड़ लेगा किसी को, पर सरकार का कौन होगा? तो क्या सरकार भी खुद भी क्या टेंडर बार बार करेगी भाई साहब इस बार तुम केस लड़ लो, क्या उस बार तुम लड़ लो? ऐसा तो नहीं करेगी। सरकार भी क्या करती है, अपने वकील की नियुक्ति करती, एक परमानेंट वकील। आ रही कुछ कहानी समझ? ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर कौन सा? 76। कौन सा? अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 76 ये कहता है कि भारत में सरकार का पक्ष रखने के लिए एक विधि अधिकारी होगा। क्या होगा? और वो विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। कौन होता है भैया? महान्यायवादी। क्या होता है? महान्यायवादी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं इसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद नंबर मतलब सरकार का वकील कौन है? आगे ना, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है? महान्यायवादी। आगे कहानी सुन, ये भगवान सरकार का वकील होता है। कौन होता है सरकार का वकील? आर्टिकल नंबर 70, इसकी नियुक्ति आर्टिकल नंबर 76 सब क्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति करता है। मतलब 76(1) में कौन करता है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति। आगे ना कहानी सुन, महान्यायवादी। मगर सवाल ये है कि भारत में कई सारी कोर्ट है, अब अगर एक कोर्ट में ये जाएगा और कभी ऐसा हुआ कि दो केस एक साथ है, फिर क्या होगा? दो केस की तारीख एक साथ है तो ये दोनों में कौन सी जगह जाएगा एक समय में? कुछ आ रही कहानी समझ में? इसलिए इसकी मदद के लिए एक पद और रखा गया है और वो पद है ये वाला सॉलिसिटर। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का फर्स्ट लॉ ऑफिसर यानी कि प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो प्रथम विधि अधिकारी कौन है? मगर द्वितीय विधि अधिकारी। आगे कहा जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल नहीं हो, बस वही वाली स्टेट है। आई के निकाल, भारत सरकार का केस कौन लड़ता है और ये उपस्थित नहीं हो तो? मजा आया, समझ में आ गई बात? अनुच्छेद नंबर 70, सोलिसिटर जनरल भारत में बने हैं वापस से, रिपीट, तुषार मेहता। कौन बने हैं? ये भाई साहब है ना। ये फोन वाला फोटो क्यों लिया मैंने, क्यों? क्योंकि ये भाई साहब फोन लगा थे, तुषार भाई वहाँ चल जा, जो तुम साइड मैं इधर जा रही हूँ, मैं गाँव साहब। आई कहानी सुन, ये काम चलता है इनके समंजस, सरकार की तरफ से पक्ष रखना, सरकार की तरफ से सरकार को सलाह देना, कानूनी सलाह देना, सरकार की कानूनी रूप से मदद करना, ये काम कौन करता है? महान्यायवादी और सॉलिसिटर। इसको कहा जाता है महान्याय अभिकर्ता। क्या कहा जाता है? महान्याय अभिकर्ता। और ये क्या था? महान्यायवादी। हिंदी में बता दिया भैया, याद। आगे कहानी समझ में? और ये कौन सी बार बना है भाई तुषार मेहता, किस कौन सी बार इनका टर्म बढ़ाया गया है, तो ये प्रश्न आएगा। कौन सी बार? तीसरी बार। कौन सी बार? है ना, 3 साल के लिए नियुक्ति होती है। 2018 में पहली बार बने थे, 18 से 20 तक रहे थे, 20 से 23 तक रहे, 23 से अब 26 तक। कब तक रहेंगे? ये प्रश्न आएगा। तुषार मेहता कौन सी टर्म के लिए चुने गए हैं? क्योंकि आदमी तुक्का लगाएगा, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो कौन सा लगाएगा? आगे नहीं कहा। और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो अनुराग अच्छा नाम लग रहा है, कपिल सिब्बल का नाम तो सुनी रखा पेड़ों में, नहीं तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बगड़म बगड़म बोल आलोक सिन्हा जय राम, समझाएगी बात? ऐसा ही होगा, जिसे नहीं पता वो तो यही लगाएगा और कहीं करेगा हिसाब से, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब जिसको नहीं पता उसकी वही स्थिति है कि जैसे मान लो ये लड़के हैं हमारे, लड़कों साड़ी पहनने के दो, कहाँ पहन पाएंगे? हालांकि पहनी भी हमारे यहाँ कुछ लड़कों ने साड़ी, मेरे बर्थडे पे है ना, बर्थडे भी था ना,
है ना, पहनी भी गेम में खेले, अच्छी साड़ी पहने, साड़ी पहन के नाचे अब सही यहाँ से माता, ठीक है चल। तो ये याद रखेगा भैया, भारत का सोलिसिटर जनरल भारत का दूसरा विधि अधिकारी होता है, कौन बना है रिपीट, कौन से नंबर पे, तीसरी बार वापस बने हैं। भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी है, भारत सरकार का जो विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है, दोनों की ही नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है भैया, कितने कार्यकाल के लिए, 3 वर्ष के, ठीक है याद रखिएगा इस चीज को, तुषार मेहता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, आप RBI के बारे में ढेर सारी बातें, हजारों बातें बता चुका हूँ, मतलब इकोनॉमिक्स ही खत्म की हमने लास्ट में अभी ना, इंडियन इकोनॉमी। चलिए थोड़ा सा इनको बता दीजिए थोड़ा बहुत, RBI की स्थापना, थोड़ी एनर्जी आनी चाहिए, 1 अप्रैल 1900, RBI का राष्ट्रीयकरण 1900, RBI का पहला गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, RBI का राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर CD देशमुख है ना, RBI का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। RBI का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, कहाँ पे है, सारी बातें कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके, तो पूरे टॉपिक पूरी इकोनॉमिक्स खत्म कराई थी मैंने आप लोगों के, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सारा का सारा पता, ठीक है बढ़िया, ठीक है। तो ये तो RBI के बारे में सारी सारी बात होगी, इस पर वापस से इन लोगों को बताऊंगा मैंने डिटेल में, बस भैया लिखा हुआ यहाँ पे PDF मिल जाएगी, तो टिप लेना इसमें से सारी चीज़, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि पूरा टॉपिक ये बहुत बड़ा सा, आगे बात करते हैं। इसके नए कार्यकारी निर्देशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, तो आपको दिख ही रहे हैं, अगर आप इनको पहचानते हो, आपके किसी के फूफा जी के चाचा जी के लड़के के छोरे के छोरी अगर ये हो तो आप जानते होंगे कौन है ये, बिल्कुल सही, क्या है भैया कौन है ये, ये है पी वासुदेवन, कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, RBI के नए MD कौन बने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने, पी वासुदेवन। दो तीन चीज़ें इनको दी गई हैं, दो तीन चीज़ों पर इनको काम करना है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है RBI के बहुत सारे होते हैं, इनको बजट से रिलेटेड काम करना है, इनको कॉरपोरेट से रिलेटेड काम करना है ना, याद रखिएगा दो तीन सेक्टर इनको दिए गए, कि आपको इन फील्ड में काम करना है बस। चलिए और चलते हैं इस सप्ताह के अंतिम बिंदु की तरफ, लास्ट पॉइंट की तरफ, टॉप 10 में कौन सा सबसे आखिरी पॉइंट है, इसकी तरफ हम चलते हैं। पॉइंट क्या है, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, किसने ली है, अजीत पवार ने, किसने ली है, इनमें से अजीत पवार कौन है, ये बहुत सारा दिए गए, ये वाले हैं, अरे गुलदस्ता वाला गलत ले लिया मैंने यार, है ना, ये कौन है भैया, ये कौन है, वेरी गुड, एकनाथ शिंदे, ठीक है। और ये कौन है, बिल्कुल सही, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है देवेंद्र फडणवीस। और ये कौन है भाई साहब, अजीत पवार। चलो पार्टी बता दो भैया, कौन कौन सी पार्टी से हैं तीनों, ये कौन सी से, ये तो BJP से हो गया, ठीक है। ये भाई, ये शिवसेना, बिल्कुल शिवसेना से, शिंदे गुट इनका है खुद का, अलग कर लिया इन्होंने उद्धव ठाकरे से, ठीक है। तो शिवसेना ही है ये, याद रखेगा। और ये प्रश्न ये था मेन, NCP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, वही है फिर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कौन सी पार्टी है ये, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार अपने चाचा जी को ऐसा भी पोस्टर भी लगे थे मुंबई में, चाचा जी के कटप्पा ने वो मारे वाले पोस्टर है ना, चाचा जी छुरा घोप के पीट रहे, मतलब NCP से अलग होके विधायकों को अलग लेके अपने, और किसके साथ मिल गए। अब बड़ी गजब की कहानी, जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि एक राज्य में एक क्या होता है, मुख्यमंत्री, क्या होता है, ठीक है मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, तो ये मुख्यमंत्री बने और ये बने DCM, क्या बने, ये उप मुख्यमंत्री कौन बने। अब ये भाई लगभग 30-40 विधायकों को लेके पहुंच गया इसके साथ, कि हम भी आपके साथ, NCP को धोखा देके तोड़ के, या NCP के जो विधायक थे उनको अपने गुट के विधायकों को लेके चला गया, कि हम भी आपके साथ, इनने कहा ठीक है आप भी आ जाओ, हमें क्या बनाओ, तुम भी यही बन जाओ जो इधर वाला बन के बैठ, क्या बनाया इसको, DCM है ना। इन भाई साहब ने स्टेटमेंट दिया, एकनाथ शिंदे जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, इनने स्टेटमेंट दिया कि अब हमारी जो सरकार है वो 3 इंजन वाली सरकार है, कितने इंजन वाली, तीन इंजन है ना, जनरली 2 इंजन होते, 3 इंजन है यहाँ, एक CM और 2 DCM यानी कि उप मुख्यमंत्री, आगे ना कहानी समझ। तो महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री कौन बना है, कितने हो गए उप मुख्यमंत्री, पहले से कौन था, किस पार्टी से था, आगे ना कहानी समझ, ठीक। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में,
तो साथियों, ये था इस सप्ताह का सोमवार शनिवार नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी करंट अफेयर रहा वो टॉप 10। मेरे ख्याल से आप सभी को मज़ा आएगा, नोट्स बनाते हुए चलें और इस लेक्चर को, वीडियो को शेयर करना भी ना भूले, है ना, सब्सक्राइब करना भी ना भूले चैनल।